केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के लिए शिमला पहुंचे। शिमला आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और देश जश्न मना रहा है। ऐसे में 13 से 15 अगस्त तक राज्य और देश के सभी नागरिक आगे आएं और अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और शिमला से मैं देशवासियों से और प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा, 13 अगस्त से 15 अगस्त हम सबको अपने घर पर तिरंगा लहराना है। आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति दिवस है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जिन महानायकों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आइए उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी दें और 13 से 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराएं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। बोले भारत माता की जय। सर, कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, तो उसके ऊपर। कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत शानदार प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों ने किया, वेट लिफ्टिंग से शुरुआत करके रेसलिंग तक शानदार प्रदर्शन रहा, बैडमिंटन से लेकर एथलेटिक्स तक, ये अपने आप में दिखाता है कि पिछली बार जहां एक और शूटिंग ने 16 मेडल जिताए थे, इस बार शूटिंग हिस्सा नहीं थी, उसके बावजूद हमने 61 मेडल भारत ने जीतने का काम किया। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पहली बार मेडल आया, बहुत सारी फर्स्ट हैं। अगर मैं अविनाश साबले की बात करूं तो 3000 मीटर स्टीपल चेस में जो उन्होंने मेडल भारत को जिताया, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो कीनिया के धावक ही वहां पर अपना धावा बोलते थे, इस बार भारतीय ने भी वहां अपना परचम लहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।